हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सिंपल है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन है हमारी 3x² - 17x + 10 = 0। तो दोस्तों, जो इस टाइप की क्वेश्चन होती है उनको हम क्या करते हैं, फर्स्ट और थर्ड को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। जितना आता है उस हिसाब से हमें बीच वाले को दो भागों में तोड़ना होता है कि वो जो दोनों भाग है उनका मल्टीप्लाई भी उसके बराबर हो। तो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड को मैंने मल्टीप्लाई किया तो 10 × 3 = 30 आ गया मेरा, और बीच वाले को मैंने 15 और 2 में तोड़ दिया तो 15 × 2 = 30। तो ऐसे तोड़ना है आपको दोस्तों। तो चलिए 3x² - 15x, क्योंकि -17 है, तो दोनों अगर -15 और -2 लोगे तभी उनका प्लस आएगा -17 के बराबर। तो दोनों माइनस के ले लेते हैं, -15x - 2x + 10 = 0। तो उसके बाद क्या करना होता है, फर्स्ट और सेकंड में से कॉमन निकालना होता है। 3x² - 15x है, उनमें से कॉमन निकालना, उनमें से हम 3x कॉमन निकाल सकते हैं क्योंकि 15 भी 3 से डिवाइडेबल है और 3 तो है ही, और x दोनों में है। तो 3x बाहर निकाले, x - 5 अंदर रह गया, उसके बाद -2 और x - 5, क्योंकि -2 निकाला तो जो 10 था, 10 को अगर -2 से डिवाइड करोगे तो -5 आ जाता है = 0। उसके बाद क्या करना होता है हमें, इनसे फिर कॉमन निकालना है। तो आप देख सकते हो x - 5 यहाँ पे भी, x - 5 इधर भी, राइट हैंड साइड में भी है। तो दोनों में से x - 5 कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे x - 5 लिख लेते हैं, तो क्या बचता है दोस्तों, यहाँ से निकाल लिया x - 5 तो बचा 3x लिख लेते हैं, माइनस बचा माइनस लिख लेते हैं, और यहाँ से x - 5 तो निकालिए बचा 2 - 2। तो ये 3x - 2 जहाँ पे आ जाता है = 0। तो हमें वैल्यू पता करनी होती है x की, तो दोनों को बराबर अलग अलग 0 के बराबर रख लेते हैं। x - 5 = 0, 3x - 2 = 0। तो x का वैल्यू यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2/3 आ जाता है। उम्मीद है इक्वेशन समझ आ गई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।